फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राधेश्याम भौसर। मैं आपको पूछता हूँ, यह मुझे भी बहुत लोग पूछते हैं कि सर आप आयरनिंग टेबल के नीचे क्या रखते हो। तो आयरनिंग टेबल के नीचे मैं पहले ऐसा कुछ भी डाल लेता था। हमारे यहाँ पे बोरिया होती है, वो डाल लेता हूँ, उसके अंदर भूसा भर देता हूँ। तो वैसा अभी हम उसमें थोड़ा सा अपडेट कर रहे हैं। तो मेरे पास ये बॉन्डेड फोम है, 1 इंच मोटाई है इसकी बॉन्डेड फोम की। तो ये मैं अभी आयरनिंग टेबल जो है मेरा उसके ऊपर डालने वाला हूँ। तो चलो मैं आपको इसको फ्री करके भी दिखाता हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, ये बॉन्डेड फोम है, 1 इंच तक मोटा है, उसके बाद में कुछ इस तरह से है वो। तो ये मुझे 900 रुपीज तक मिला है, 880 रुपीज तक मुझे ये मिला है। बहुत जगह पे ये सस्ता भी होगा, थोड़ा सा कम प्राइस में भी मिल जाएगा आपको, सर्च कीजिए। और ये आयरनिंग के टेबल के नीचे हमें रखना है। इसकी जो साइज है 3x6 है, 3 फुट ऐसा है, और उसका लेंथ 6 फीट है और वाइड वो 3 फीट तक है। तो इसे हमें काट कर अपने टेबल के हिसाब से रखना है। और इसके ऊपर सिर्फ कॉटन का अगर थोड़ा मोटा कपड़ा आपको मिल जाएगा तो वो आपको इसके ऊपर रखना है बस, बाकी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये पूरा एक जैसा है तो आयरनिंग भी आपकी बहुत ही अच्छी आएगी और ख़राब नहीं होगा। ये कुशन्स में यूज़ होता है, कुशन्स में यूज़ होता है, तकिए में यूज़ होता है, बहुत सारे इसके यूज़ है, सोफे में भी यूज़ होता है। तो आप ये ट्राई कीजिए आयरनिंग टेबल के लिए। 880 रुपीज़ तक मुझे मिला है। नासिक में हमारे सब्सक्राइबर हैं पूजा जी, जिन्होंने ये सिर्फ 600 रुपीज़ तक भी लिया है। और आपके प्लेस के ऊपर आप सर्च कीजिए, अच्छे से मिल जाएगा आपको, लेकिन कार्ड को आप काट के आपको लगाना होगा। टेबल के नीचे अगर ये रखेंगे तो आयरनिंग आपकी क्वालिटी आपकी अच्छे से सुधर जाएगी। साड़ियों स्पेशली साड़ी आयरनिंग अच्छे से हो पाएंगी इसके ऊपर। और फिर उसके बाद में स्टार्च के क्लोथ होंगे वो भी अच्छे से होंगे इसके ऊपर से। तो फ्रेंड्स, ये ज़्यादा महंगा तो नहीं कह सकता हूँ मैं, क्योंकि ये हमें आयरनिंग के टेबल के नीचे रखना है, डेली उसके ऊपर वर्क होगा। तो ये मेरे हिसाब से अच्छा है, अगर आप भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हैंडलूम की शॉप पे आपको इजी से अवेलेबल हो जाएगा, या जो सोफ़ा मैन्युफैक्चर करते हैं उनके पास भी ये मिल जाएगा, सर्च कीजिए मिल जाएगा। इसको कहते हैं बॉन्डेड फोम, बॉन्डेड फोम इसे कहते हैं। तो अगर आपको लेना हो तो ले सकते हैं, अपने मार्केट में आप सर्च कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ आपको अपडेट था कि मैं अब आयरनिंग टेबल के नीचे इसे रखने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यही तक थी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वीडियो लॉन्ड्री ओनर्स के लिए थी, और घर पे भी जो अच्छा सा आयरनिंग काम करते होंगे तो वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जल्दी से उठा के आप कहीं पे भी रख सकते हो। तो और थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। और इसके ऊपर बिछा के आप सोने के लिए भी काम आएगा, बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छी लगी हो तो, कमेंट कीजिए अगर कुछ क्वेश्चन हो तो, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी वीडियोस मैं रेगुलरली लाता रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।